नाजरीन, मैं मोहम्मद दस्तगीर, आप देख रहे हैं टीएसएन न्यूज हैदराबाद। राजेंद्र नगर पीएस हुदूद में एक फैमिली के ऊपर हुआ गैंग अटैक, अनिल कुमार ने मीडिया के सामने तफसीलात बताया। 9 अक्टूबर की रात को पांडुरंगा नगर में अनिल कुमार नामी शख्स ऑटो में बैठा हुआ था। उसको वहीं के रहने वाले शदासीफ सरदार की गैंग ने बुरी तरह पीट दिया, जिससे अनिल कुमार के ऊपर हथियार से वार करने से अनिल कुमार बुरी तरह जख्मी हो गया और उसके भाई की गाड़ी को भी जला डाला। जख्मी अनिल कुमार को इलाज के लिए पास के हॉस्पिटल ले जाया गया। अनिल कुमार ने राजेंद्र नगर पीएस में एक कंप्लेंट दर्ज करवाई, पुलिस इन्वेस्टिगेशन कर रही है। अनिल कुमार की मां ने इंस्पेक्टर राजेंद्र नगर से गुजारिश की, उनके बेटे के ऊपर हमला करने वालों को कड़ी से कड़ी सजा दें। आइए देखते हैं इसी की एक रिपोर्ट। अरे अना, अरे अना 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 ले गया उसको। पांडुरंगा नगर में रहता हूँ, एज 20 है मेरा। मैं ऑटो में बैठा था मेरे दोस्तों के साथ, फुला पीले के आगे ऑटो में से निकाल के मारे मेरे को, और क्या कि मेरे को मारे 20-25 लोग मारे। मारने के बाद फिर मेरे भैया वहाँ जॉब से आ रहे तो मेरे भैया को भी मारे, मार के गाड़ी जला दिए। फिर गाड़ी जलाने के बाद फिर घर को आया। गाड़ी आपकी और कौन मारे आपको? सदाशु सरदार इल्ला उसके गैंग पूरी 20-25 लोग बच्चे रहते उनके साथ, उन्हें मारा मेरे को। गाड़ी जलाया और गाड़ी जला दी है मेरी, सदाशु जला दिया मेरी गाड़ी, सदाशु जला दिया गाड़ी मेरी। हॉस्पिटल को गए आप कंप्लेंट करें? हॉस्पिटल को गया, कंप्लेंट भी करा तो उसको पुलिस वाले डाल दिए थे, फिर छोड़ दिए रात में उस दिन ही। इसको ले गया थे सदांशु को, ले गया है पुलिस स्टेशन लगता है। ये राजानगर पीएस लगता, राजानगर पीएस लगता, राजानगर पीएस को लेके आए उस दिन रात में पुलिस वाले गरगन से। फिर यहाँ डर मारे और चाकू से मारे, गरगन आके हमारे मम्मी से भी से मारे। घर कने आए जब मैं घर को आ रहा था, रात में सीरियस एक्शन कौन भी नहीं ले रहा। अभी तक 48 आवर से ज्यादा हो गए। कंप्लेंट करे तो भी कंप्लेंट नहीं ले रहे, अभी लिए वो भी क्यों पे मार दिए इधर उधर पूरा गले कने इधर। गाड़ी को ऐसा पत्थर से मार रही सो भी है और गाड़ी जलाई सो भी है, पेट्रोल लेके आए सो भी है उन लोगों और दिए तो उन्होंने अभी देखे उतना एक्शन कुछ भी नहीं लिया। अभी नहीं लिया, अभी दिखाए तो भी वीडियो उन्होंने। सुरेश साहब से रिक्वेस्ट है कि जो जो मारे पीटे उनको अरेस्ट कर लिए जल्दी, उतना ही बस एक्शन ले लिए, ले लेना है जल्दी उनको, इसको प्रूफ होना है उतना ही। उन्हों कई को मारे कई को नहीं और गाड़ी कई को जलाए मारे सो है। अभी अटेम्प्ट टू मर्डर कर दिया ना, कि मर्डर करने को चला रहा था उन्हें। मेरे बच्चों को कभी भी हुए तो मार डालते, उनके पेट में बहुत काला है, उनके साथ ही खराब हो गया बच्चा। मेरा बच्चा नहीं जा रहा, दोस्तों दोस्तों क्या बोले जाके लगा रहे तेरे को दे तुम बोला पैसे है रे बोला बोल के ऐसा करके मेरे बच्चे को डाल रख के मार दिए। एक बार छोड़ के दो बार, पहले बार मारे तो भाग गया, जब मारे फिर अब मारे मार गए भाग गए तो पकड़ के लाने जा रहे तो घर को भी नहीं आया। दाना ना 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 सब लोग आके गेट को मार रहे, फिर आ रहे माँ के लौड़े आ बहन के लौड़े आ बोल रहा मेरे बच्चे नहीं थे, मेरे बच्चे आया कि काम से ऐसा बैठा था, खाना भी नहीं खाया मेरा बच्चा तो आ रहे तो नकवा बोला। एक दोस्त बोला तू बैठ रहे मम्मी को लेके जाती तो मारते दोस्त लोग है बच्चे बोले तो मेरा बच्चा बैठा। मैं बोली कंप्लेंट लिख रहे बेटा, बहुत लोग आए जान लेते रहे तरह तेरे पाँव पड़ती बोल के पाँव पड़ के उसको भेज देता हूँ कंप्लेंट करे तो। दो गाड़ियाँ पुलिस आए पकड़े लेके गए सब देखे, पुलिस ने कैमरा निकाले सो भी निकाल रहे जल रहे तो देख रहे सो भी। मैं कर तुम बोला पुलिस भी मारा, दो तीन जने को गाड़ी में डाल लेके आया। फिर आके एक घंटा दो घंटे रखे हमारे को जाओ दवाखाने को बोल के भेजे, दवाखाने को गए थका फिर इधर बच्चों को मार रहे। वो पकड़े से वाले कहाँ हैं अभी पुलिस स्टेशन में? नहीं है छोड़ दिए उनको, एक को लाए। कितने जने मारे आपके बच्चे को? मेरे बच्चों को क्या तो कितने जने मारे कि दो भाई से वो कंप्लेंट हो गया। वो क्या दो भाई हमारे से सबको बोला करे वो कुत्ते सब बच्चे जाके पेट्रोल लाए तीन जनी जाके जला रहे लकड़ियाँ डाल रहे ये खतरे डाल रहे उठा उठा के घर के लोग। मेरा बेटा बोला आया कल से भाई आया मेरी गाड़ी जला रहे बोले तो मेरे बेटे को फट तो बोल के मारा पुलिस के सामने। पुलिस बोले हम इतने जनी है तुम कल को मार रहे
हाँ हम करते ना, हम आए बात नहीं करना बोले तो भी नहीं सुन रहे, तो दो तीन जगह को मार के भगा के उसको लाए, ला के एक घंटा तो हाथा पीछे बंद के लाए, ला के एक घंटा दो घंटे भी नहीं छोड़े हमारे को घर को बड़े लगे, तो हमारे साथ इधर भगाए भगाए, तो जब मेरा बेटा को बुला के घर को जा रहा, मेरा बेटा 3 बजे रात को भाग के गया था, भाग के गया तो मेरा बच्चा छोटा फ़ोन करा रहे, भैया मेरे बहुत मारे गाड़ी जलाए, तो कहाँ है भैया बताओ, अरे मैं देखा बोल के घर को आ रहा था, घर को आ रहा था उसके 2-4 भाइया अभी उसके काका के बेटे, फिर उन्हीं आके चाकू लेके भयन के लोड़े बोल के हमारे घर तक आके मारा, मारे तो मेरा बच्चा दना भाग के जा रहे, तो चाकू से मारे तो नवी शर्ट को ऐसा लग के पीठ को बराबर नहीं लगा, ऐसा खींच के आया, नहीं तो मेरा बच्चा नहीं रहता था, साहब मेरा बच्चे को मार डालता था उन्हें नहीं रखता बोल के, हम उधर से आ रहे तो चीख रहा भाग रहा लंगा से मेरा बच्चा, तो अरे अरे कौन अरे बोल के मेरा बच्चा भगाए, तो जब भाग के गए, जब अभी पुलिस के पास लेके आए बच्चे को, मेरे लगा मार बोल के चाकू लगा बना मेरे बच्चे को, मारे मारे तो मारे बोल के, मैं साहब को बोल रही हूँ मेरे बच्चे को, मेरे हमारे न्याय करो साहब बोल के बोल रहे, साहब हमारे न्याय करते ज नहीं, वो नहीं गुजारा कर रहे, पुलिस हूँ हूँ बोल रहे, रख दे रहे बाजू को नहीं सुन रहे, 3 दिन हो गया हमारा क्या है बोलो, हाँ उनको सजा दो, मेरे बच्चे के आंख के ऊपर नहीं जाना, मेरे बच्चे को कभी मारना नहीं डराना नहीं, मेरा बच्चा जा रहे तो चिपका चिपी मेरा बच्चे तू खराब उन्नूच कर दिए, हम नक्को जाओ बोले तो जाता था, नक्को जाओ बोले तो जाता था, मेरा बच्चा कुछ नहीं करा, चिपका चिपू 4 बच्चों को भेज के ला के उसको मारे, मेरे बच्चे को 2 जने थे, 4 जने 5-6-7 जने थे उनको नहीं मारे, मेरे बच्चे को अकेले को मारे था।